नाज़रीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी, आदाब। नाज़रीन, गोरखपुर एसटीएफ और मऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कंबाइंड टीम ने असलह बनाने की फैक्ट्री पकड़ने का किया दावा। चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें ख्वातीन भी हैं शामिल। पुलिस कप्तान के बकौल शहर के अस्तुपुरा और रघुनाथपुरा में छापामारी करके बरामद किया गया भारी तादाद में तैयार और नीम तैयार असलहा और असलहा बनाने के साजो सामान व मशीन। एसपी के बकौल अभी तादाद बताना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि कार्रवाई चल रही है। कल तक सही तादाद मालूम हो सकेगी। नाज़रीन, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मऊ शहर की है, थाना दक्षिण टोला और गोरखपुर एसटीएफ की मुश्तरका कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसील दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं पुलिस कप्तान। और उससे पहले हम आपको पूरे मंजर आपको दिखाते हैं वीडियो के ज़रिए। मऊ से आग न्यूज़ के लिए ब्यूरो की खास रिपोर्ट। छापेमारी की है और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है, जिसका टीम मौके पे बरामदगी का प्रयास कर रही है। इस बरामदगी के दौरान दो जगहों पे काफ़ी भारी मात्रा में बने अधबने असला मिले हैं। असला बनाने का सामान मिला है, कुछ ऐसे उपकरण और मशीनरी भी मिली है जिससे असला बनाने का जिसका उपयोग किया जा रहा था। चार लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिनका पता पूछने के बाद उन्होंने चारों ने अपना पता मुंगेर बिहार से बताया है। उन चारों से गहनता से पूछताछ और चल रही है। जो अभी प्राइमरी सूचना है उसके अनुसार ये पता चला है कि उनमें से किसी ने यहाँ पर शादी कर ली है और एक घर बनाया था, जिस घर में उन्होंने बाथरूम के नीचे एक तय खाने में एक छोटा रूम बनाया था, 8x12 का छोटा सा रूम होगा। उस रूम में ये तहखाने में इस काम को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पे गोरखपुर एसटीएफ, मऊ पुलिस की टीम और अन्य
हमारे जो साथी है उनके द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। एक जगह दबिश देने के बाद और जगह की सूचना मिली, उस जगह पर अभी दबिश की कार्रवाई जारी है और काफ़ी संख्या में बने अधबने असला बरामद हुए हैं और इनसे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो अन्य चीज़ें इससे मिलेगी उसका फॉलोअप प्रेस ब्रीफ भी हमारे द्वारा जारी किया जाएगा जो आपको जल्दी मिलेगा। सर लगभग संख्या कितनी होगी? अभी जो टीम है उसका मौके पे कार्रवाई जारी है तो ये बहुत जल्दी होगा कि कितने हैं बताना, पर काफ़ी संख्या में मौके पे बने भी और कुछ ऐसे अधबने जिनमें सामान उपलब्ध है जिससे वो बनाने का कार्य करते थे और मशीनें जिनसे ये सब कराया जाता था, बड़ी मशीन है, ये सब चीज़ें बरामद हुई। सर गोरखपुर एसटीएफ ने पकड़ा है तो सर मऊ पुलिस क्या कर रही थी, चल रहा था तो देखिए कार्रवाई चली जिस थाना क्षेत्र में चल रहा था। देखिए जो मौके पे कार्रवाई हुई है दोनों टीमों ने मिलकर की है और उनके पास सूचना थी, उस सूचना के आधार पे पहले जगह रेड हुई है फिर दूसरी जगह भी रेड हुई है और दोनों टीमों ने मिल करके इसको पकड़ा है। बाकी बरामदगी हो रही है और जो तो चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं जो बिहार से है उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है, उनके पूछताछ के बाद सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर ये मऊ में कहाँ कहाँ बरामद किया गया? दो जगहों पे कार्रवाई हुई है, एक अस्तुपुरा में हुई है और दूसरा रघुनाथपुरा में हुई है, अभी भी कार्रवाई मौके पर जारी है। नेशनल अवार्ड याफ्ता अहसन अंसारी की मुरतब करद तमाम मुकाबला जाति इम्तिहान के लिए एक नायाब नुस्खा उर्दू कंपटीशन बुक और विश्व दर्पण में नारी अब महज 300 रुपये में, जल्दी करें। मोमिन अंसार सभा कौमी सदर अकरम अंसारी पेश कर रहे हैं। मिलने का पता अहसन अंसारी डोमनपुरा हिब्बा मऊ।